हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और गाइज, मेरे पास बहुत सारी कमेंट आई थी कि आप एक बार डॉग कैनल विज़िट करो, तो आज मैं जा रहा हूँ बुल मैस्टिफ के डॉग कैनल पर जो कि मेरठ में है, और उसके ओनर है मिस्टर परवेज, और उनके पास एक डॉग है लियो और वो चैम्पियन डॉग है। और जैसे कि आपको पता है कि मैं जा रहा हूँ टाइगर को लेके, तो टाइगर को लेके जब हम जाते हैं तो उसके साथ क्या प्रॉब्लम रहती है कि उसको कैमरा पसंद नहीं है, पर गाड़ी में वो ज़्यादातर प्रॉब्लम नहीं करता क्योंकि उसे गाड़ी में घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है स्टार्टिंग से ही। तो भाई जैसे कि आप देख सकते हो कैसे देखता हुआ चल रहा है बल्लू। बल्लू के नील्स काफ़ी बड़े हो रहे हैं और मैंने सोचा था पहले नील्स कटवा लेते हैं, बट डॉक्टर ही अवेलेबल नहीं था, तो अभी रुके रास्ते में थोड़ा सा बल्लू घुमाने के लिए कि बल्लू को घुमा दें। गाड़ी लॉक कर दी है गाइस। वैसे टाइगर अग्रेसिव पिटबुल के नाम से जाना जाता है, पर टाइगर का नेचर बहुत ही अच्छा भी है। अभी जैसे मैंने इसको यहाँ पे खोल दिया, वैसे तो यहाँ पे कोई नहीं है, पर अगर कोई होता भी तो भी टाइगर जाके ऐसे अटैक नहीं करता बिल्कुल भी। पर स्टार्टिंग में जब भी मेरे पास आया था तब थोड़ा सा अग्रेसिव इससे भी था कि कोई अनजान बंदा देखता था तो थोड़ा अलर्ट हो जाता था और अग्रेसिव मूड में हो जाता था, पर कभी भी इसने ऐसा अटैक नहीं करा किसी ह्यूमन पर कि अब मैं इसे घुमा रहा हूँ तो इसने किसी को पकड़ लिया, ऐसा कभी नहीं हुआ। अभी जैसे हम यहाँ पे खुला छोड़ देंगे इसको कहीं नहीं जाएगा, और गलती से कोई आ भी जाता तो भी ये उसको बिल्कुल कुछ नहीं कहता। पर हाँ, अगर कोई कुत्ता या फिर कोई जानवर छोटा मोटा आ जाए कुछ भी, तो हम फिर कोई गारंटी नहीं है क्योंकि फिर ये अटैक कर देगा अगर कोई भी होगा। फिलहाल हमने टायर घुमा दिया है और फिलहाल चलते हैं कैनल पर। तो अभी हम कैनल पर आ चुके हैं और इस कैनल का नाम है ड्यूरेबल कैनल, जिसके ओनर है मिस्टर परवेज। अरे कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोले, बहुत सीधा है। बहुत अच्छा टेंपरमेंट। बहुत अच्छा टेंपरमेंट है इसका तो। मेरे को फिर भी डर लग रहा है। इसने कभी किसी को बाइट किया? नहीं, इसकी लाइन ना ऐसी बाइट वाली लाइन है, बाइट वाली लाइन है वो मेरी उस साइड वाली एक फीमेल है उसकी है। तो गाइस आप देख सकते हो कितना ज़्यादा एक्साइटेड है ये, और सर ने इसका कितना अच्छा टेम्परमेंट रखा हुआ है। बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है और गार्डिंग पर्पज से भी बहुत अच्छा है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा। अच्छा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही मस्त लग रहा है। अभी थोड़ा खेल कूद के, अरे उसको प्यार करना था ऐसे। और चाहिए और करवाना है। ओए ये बिल्कुल एकदम बस बस बहुत हो गया, बस 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 बस। डर भी लग रहा है तेरे को? है कितने टाइम से है आपके पास ये डॉग? ये डॉग तो पिछले एक्चुअली मेरी ब्रीडिंग का है, ये मेरी पांचवी जनरेशन की ब्रीडिंग है। अच्छा। ये इसकी उम्र 5 साल है और बुल मैस्टिफ रखते हुए तो मुझे काफी साल हो गए। बुल मैस्टिफ रखते हुए तो मुझे करीबन 17-18 साल हो गए। अच्छा। इसकी जो जनरेशन है वो 17-18 साल पुरानी है। अरे वाह, अरे
तो गाइस आप देख सकते हो कितना अमेजिंग सेटअप किया हुआ है सर ने। ओह अरे वाह, बस नहीं यहाँ पे लियो, इसके पास से चले जाओ, आपके साथ ही चल रहे। वो तो अभी बहुत डर लग रहा है इसे, क्योंकि अपने उसमें सोचेगा ये मेरी केज में आ गई ऐसा वैसा। कुछ नहीं कुछ नहीं, इनका टेम्परमेंट बहुत बहुत काम है। गाइस देख सकते हो साइज, एक बार इसके सिर पे हाथ फेरी हूँ, हेड साइज में पता चला। उदिति का हाथ देखो इसका, लियो नाम है सर, लियो। आप इसको पकड़ के प्यार करोगे उतना ही खड़ा रहेगा चुपचाप से। प्यार करने के लिए खड़ा हुआ है। हमारे साथ प्रॉब्लम ये कि हमारे पास जो भी डॉग आया है ना अब तक, वो टाइगर तो किसी के साथ रहा ही नहीं आज तक कभी भी। तो गाइस देख सकते हो आप यहाँ पे कूलर लगाए हुए हैं सर ने, और कितना अच्छा सेटअप बनाया हुआ है, कोई भी यहाँ पे हल्की सी भी गर्मी नहीं लग रही। तो ऐसा क्यों कि दो इस साइड दो इस साइड? एक्चुअली बीच में ना थोड़ा सा डिज़ाइन में इशू था, यहाँ पे डक्ट थी। अच्छा, तो जो डिज़ाइन करते टाइम ना हम लोगों ने फिर इस तरह से किया कि थोड़ी सी इनको प्राइवेसी भी मिले और अलग अलग भी। कभी कभी कुछ ऐसे भी टेम्परमेंट वाले डॉग आते हैं जो साथ में नहीं रह सकते, तो उनके लिए अच्छा होता है, गर्मी नहीं जाती। अच्छा, मिट्टी इसके ऊपर भी लकड़ी लगाई हुई है, उस पर भी हमने ना वो लगाया हुआ रबर शीट लगाई थी, घर में इतनी आसानी से नहीं लगा। जैसे कि इतने हैवी डॉग हैं तो ऐसे फर्श वगैरह पे इनको वो प्रॉब्लम नहीं होती? नहीं, ये जो फर्श है ना ये वो नहीं है, मतलब इसको पॉलिश नहीं किया गया, अनपॉलिश है। अच्छा, वैसे घर में जैसे रखते हैं हम लोग बिल्कुल चिकने फर्श, हाँ उस पर प्रॉब्लम होती है। अच्छा, उस पर प्रॉब्लम होती है। नो बल्लू, नो 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 बल्लू नो। तो कैसे भी बल्लू को लेके जा रहे हैं ऊपर डॉग्स के पास, और देखते हैं लियो के साथ क्या रिएक्शन रहता है टाइगर का। बोलते हैं कौन है तुझे, कौन है? नो ले आओ, ले आओ थोड़ा पास ले आओ, कोई नहीं। अच्छा, चोक चैन में प्रॉब्लम ये है, निकाल नहीं कर दें से है ना। इसकी आप डायरेक्ट चोक चैन पकड़ लो ऐसा हाथ से, वो वाली दोनों चैन एक साथ करके। अच्छा, नहीं नहीं इतने
देखते हैं एक, वो ये भी समझ चुका है ऐसा, ये इसलिए भी रिएक्ट नहीं कर रहा, इसे पता चला ना वो लड़की तो, तो इसलिए भी ये इसको रिएक्ट नहीं कर रहा, ये हमारा बोलने में रिएक्ट कर रहा है जैसा हम बोल दिए टाइगर ने रिएक्शन नहीं किया बिल्कुल भी, फर्स्ट टाइम किसी डॉग से मिलकर टाइगर ने रिएक्ट नहीं किया, और गाइज उसके हेड का साइज देख सकते हो। तो गाइज ऐसा नहीं है कि बुल मैस्टिफ कम होते हैं, बट सर ने उसको डॉग शो के हिसाब से ट्रेन किया है, और डॉग शो में आपको पता है काफ़ी सारे डॉग आते हैं, अगर वहाँ पे कोई अग्रेसिव डॉग होगा और वो दूसरे डॉग पे अग्रेसिव होगा या फिर वहाँ पे अटैक करेगा तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसी हिसाब से इसको ट्रेन किया गया है, इसलिए किसी डॉग पे भी अटैक नहीं करता और किसी ह्यूमन पे भी अटैक नहीं करता। फीमेल्स को देख के तो रिएक्ट नहीं करता, फीमेल में तो ऐसा है कि वो काट भी लेगी ना इसे तो भी नहीं रिएक्ट करेगा, देखो कर रहा है ना, फीमेल्स को नहीं कुछ कहता, इसके साथ तो खेल भी लेगा, बस ये है कि मैं मज़ल नहीं लगा पाता, मज़ल लगा के तो खिलवा देते। तो आप देख सकते हो सर ने यहाँ पे अफ्रीकन लव बर्ड भी रखी हुई है, इनकी आवाज़ बर्जिश से काफ़ी तेज़ होती है और सुबह के टाइम में काफ़ी ज़्यादा शोर करते हैं, और जो कि बहुत अच्छा भी होता है, सुबह सुबह चिड़ियों की आवाज़ सुनना बहुत अच्छा भी लगता है। अभी फ़िलहाल तो ये सब मेरे को एक शक की नज़र से देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये कौन आ गया और क्या करने की कोशिश कर रहा है ये, और पीछे देखो एक ब्लू कलर की बर्ड कितनी मस्त लग रही है बैठी हुई, और यहाँ पे इनका खाना रखा हुआ है, और नीचे साथ में सर ने बर्जिश भी रखी हुई है, और इन बर्जिश की जब लड़ाई होती है ना तो पिटबुल से भी खतरनाक लड़ाई करते हैं आपस में। तो गाइज आज लियो से मिलके बहुत अच्छा लगा, और लियो की और वीडियोस देखने के लिए मैं उनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से आप लियो की वीडियोस देख सकते हैं और उनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टाइगर। तो गाइज देख सकते हो कैसे उदित थी वो टाइगर की बहस रहती है, आधा एग्रेशन तो इसने इसका इसने ही कम किया है ऐसे कर करके, बस ये उदिति को ही कुछ नहीं कहता। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।